हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, तो आज मैं लेके ही हूँ मिनी समोसा, जो कि आप शाम के नाश्ते में ले सकते हैं। हम आटा का समोसा बनाएंगे जो कि हेल्दी होगा, इतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होगा, और अगर आप घर पे बनाते हैं तो ये आपको आसानी से मतलब मन जी भर के खा सकते हैं। सो उसके लिए मैंने दो बड़े साइज का उबले हुए आलू ले लिया है, उसमें ऐड किया है हरी मिर्च कटा हुआ और एक बिग साइज का अनियन कटा हुआ, और उसके साथ हम ऐड करेंगे एकदम फ्रेश धुला हुआ धनिया पत्ता कटा हुआ। और अभी धनिया पत्ता हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिल रही है, तो मैंने ज़्यादा भर भर के डाली है। और उसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अगर आपके पास मीट मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने उसे डाला है, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप घर पे बनाते हैं तो मतलब जी भर के खा सकते हैं। और हम आटे से बनाएंगे, तो मैदा नहीं है, मैदे से थोड़ा अनहेल्दी फील होता है, और आटा हम रोज़ खाते हैं, तो हम आटा का समोसा, मिनी समोसा, ट्राइंगल समोसा बनाएंगे, तो इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर, और उसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटा लेंगे, दो कटोरी आटा लिया है मैंने, और उसे गूंदे के उसमें ऐड करेंगे। एकदम आप इस तरह से माप करके अच्छे से ले सकते हैं, मेजर करके, और उसमें मैंने थोड़ा सा यानी स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ऑयल, उसे अच्छे से मिक्स करके गूंथ लेंगे, ना ही ज़्यादा टाइट करेंगे ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, तो ये मीडियम ही होगा ताकि समोसा जो है ना फटे और उसे अच्छे से बाइंड हो सके। तो ये हमारा आटा अभी हो गया रेडी, अभी हम रोटी बना लेंगे इस तरह से राउंड करके। और मैं जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि जो शाम की भूख है ना, वो मतलब बच्चे जल्दी जल्दी होते हैं, तो इसलिए अभी इस तरह से मैंने कट कर लिया है, और इस आलू को इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे चम्मच से लेके। इस तरह से हम आलू को ऐड करेंगे और फिर उसे कट करके फोल्ड करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मतलब जो मार्केट में मिलता है उस समय से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप उसे इस तरह से घर पर ज़रूर बनाएं, आटा का समोसा, मिनी समोसा, ट्रायंगल समोसा, और आपको भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप उसे रोज़ बनाकर घर में खा सकते हैं। तो अभी ये रेडी है, हम उसे अभी फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने, तो आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, तो अभी रेडी है। आप छोटा छोटा भी इस तरह से कट करके बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। तो तेल हमारा अभी गर्म है, मैं समोसा ऐड कर रही हूँ फ्राई करने के लिए, अभी उसे डीप फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और ऑयल नहीं खाना चाहते तो उसे बॉयल करके भी खा सकते हैं, तो मैं अभी ये डीप फ्राई कर रही हूँ, और इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो आलू है अंदर वो बॉयल किया हुआ है ऑलरेडी, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर का आटा ही हमें फ्राई करना है। तो अभी ये समोसा रेडी है, गर्मा गर्म सर्व करेंगे टमाटो चटनी या सॉस के साथ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बनती है, और अब उसे घर में फटाफट बना के खा सकते हैं। देखते वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय।